डेढ़ कप अलसी है, इसको मैं ड्राई रोस्ट करके रखा था, अब इसको मैं दरदरा पीस लूंगा। ये 3 टेबल स्पून कमरकस का गोंद है, इसको भी बारीक बारीक पीस लेंगे। ये भी एक गोंद है, इसका नाम क्या है पंसारी ने बताया था, मैं भूल गया हूँ, आप लोग को मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा इसको क्या कहते हैं। ये 1/3 कप पॉपकिन सीड है, ये रोस्ट कराया हूँ, ड्राई रोस्ट कराया हूँ, इसको भी दरदरा पीस लेता हूँ। ये 1/2 कप कोकोनट पाउडर है, ये 1/4 कप ये सफेद तिल है, ये 1/4 किलो गुड़ है, 1/4 कप डालेंगे तो पानी लाल गोल सीरा बना लेते हैं। ये 1/2 कप गेहूं का आटा है, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, अच्छा से भून लेंगे बिना घी के बिना तेल के। आटे में क्या आयरन वायरन बहुत ज्यादा रहता है इसके लिए। ये तीसी का पाउडर डाल रहे हैं, ये जो आटा भूंजा था वो डाल रहे हैं, ये जो गोंद दिखाया था दोनों और बिला को पीस लिया है, ये इसके अंदर ये जो पॉपकिन सीड का था उसको क्रश कर लिया है बारीक बारीक, ये कोकोनट का पाउडर है, ये तिल है, ये सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, सब अच्छे से मिला लेता हूँ। उधर सीरप बन रहा है, ये थोड़ा थोड़ा करके सीरप, ये सीरा डालेंगे गुड़ का। अभी सीरे और पाउडर को खूब अच्छी तरीके से मिलाएंगे बराबर से, थोड़ा सा हाथ पे तेल लगा के ऐसा लड्डू बना बना के रखते जाएंगे। ये वाला लड्डू रेडी हो गया है, अभी ये एक लड्डू रोज आना रात को, एक लड्डू रोज रात को सोने के टाइम दूध के साथ खा लिए तो, एक महीना बराबर खा लिए तो सब दर्द, ज्वाइंट ज्वाइंट का दर्द है, कमर का दर्द है, सब दूर हो जाएगा। देखो रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोग को फायदा मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी रेसिपी के साथ। अल्लाह हमारी आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन।